गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात। टुडे इज इंटरनेशनल योगा डे विच इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 21st जून इज मैंडेटेड बाय यूएन टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेम। इन माय ओपिनियन जस्ट वन डे इज नॉट सफिशिएंट टू मार्क द चेंज, बट इन आवर बिजी शेड्यूल इट इफ वी कैन डिवोट वन डे टू स्टार्ट प्रैक्टिस टू अचीव मेंटल पीस, then perhaps we can develop the habit. Now let's talk about yoga. Yoga was introduced to raise awareness about the importance and impact of the same on the health of people. The word yoga is derived from Sanskrit word yuja, which means to unite, representing the unification of body and consciousness. We are Indians are blessed to have this ancient tradition, as yoga is an invaluable gift from our ancestors. Yoga is physical, mental and spiritual practice to unite our mind and body. It targets all the different systems of the body and mind, like asanas. Asanas hamari body ko strong banata hai, flexible banata hai. उसी तरह से प्राणायाम जो है हमारे इंटरनल सिस्टम को प्यूरिफाई करता है, और जब हम योगा आसना और हम प्राणायाम में एक परफेक्शन पा लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन और ध्यान की तरफ। सो ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे वी विल स्टार्ट आवर डे विद गायत्री मंत्र, देन सन सैल्यूटेशन एंड देन प्राणायाम। Let's start Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonha Prachodayat. Om Shantih Shantih Shantih. चलिए अब शुरू करते हैं हम Sun Salutation। थोड़ा सा हमने modify किया है। आप सभी को पता है सन सैल्यूटेशन जो है सेट है 12 आसनों का, 12 पोजेस का। हम हर पोज में मैं काउंटिंग नहीं कर पाऊंगी हर पोज के साथ, तो आप लोग अपने काउंटिंग करेंगे, 10-10 की काउंटिंग करेंगे, आप होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स तक। तो चलिए शुरू करते हैं सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। सबसे पहले मैट के आगे खड़े हो जाएंगे। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जब हम कभी भी ऊपर की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो हमें इनहेल करना चाहिए, और जब हम नीचे की तरफ ऐसे आते हैं तो हमें एक्सहेल करना चाहिए। तो चलिए इसी को ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। सबसे पहले मैट के बिल्कुल आगे खड़े हो जाएंगे, हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, पीछे जाएंगे, होल्ड करेंगे, हाथों को नीचे, पैर पीछे ले जाएंगे, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे, अपने सर को टच करेंगे फ्लोर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक पैर ऊपर ले जाएंगे, टोज बाहर की तरफ, धीरे धीरे इस पैर को आगे लाएंगे,
हाथों के पास होल्ड करेंगे और नीचे रखेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए इसी तरह से आप हम दूसरे पैर से करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर पीछे की तरफ जाएंगे। हाथों को आगे की तरफ एक्सहेल करते हुए भुजंगासन। पैर अपना आगे की तरफ दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। ये देखिए दूसरा पैर भी आगे लाएंगे। तो ये हमने किया सैल्यूटेशन। इसके बाद हम करने आ जा रहे हैं धारुणी प्राणायाम, जो मैं पहले बता चुकी हूं। सुखासन में बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, पूरा ध्यान अपने ध्यान होना चाहिए आज्ञा चक्र की तरफ। अब कानों को अपने अंगूठों से बंद करेंगे। इस तरह से देखिए श्वास अंदर भरेंगे और कंठ की ध्वनि के साथ साथ श्वास बाहर निकालेंगे। देखिए कैसे मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर रखते हुए आंखें बंद रखनी है। जब भी हम प्राणायाम करते हैं आंखें हमें नहीं खोलनी है, उसका इफेक्ट हमें तभी मिलता है। चलिए
आगे ओम का उच्चारण तीन बार श्वास अंदर करिए हाथों को आपस में रगड़ेंगे हाथों पर रखेंगे फील करेंगे वो धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे आज हमने बोली किया सन सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार एक बहुत जरूरी चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई थी योगा जो है एक दिन या दो दिन के लिए नहीं है योगा का अभ्यास हमें अपने जीवन में लाना चाहिए इसे एक हैबिट बनाना चाहिए सो डू प्रैक्टिस ऑफ योगा डेली एज इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन डे योगा शुड बिकम वंस हैबिट तो इसलिए निरंतर योगा करते रहिए और अपने को स्वस्थ रखिए धन्यवाद